लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार होने पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रविवार को देवरिया बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने किया। बैठक में सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस को उम्मीद से कम वोट मिले, इस पर चर्चा की गई और पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, पांचवी बात, भविष्य में पार्टी को प्रत्याशी चयन की क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और छठवीं बात, कोई अन्य सुझाव जो आप देना चाहें। इसमें दो स्वनाम धर्मी एक नाम के लोग हैं, देवेंद्र निषाद धनुष, इनको धनुष के नाम से, ये अपने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है, पिछली कमेटी में भी विद्यमान से प्रदेश में थे, तो देवेंद्र निषाद महाराज जी आइए खुला जी उनका। हम सर एक बात कहूँगी, तब तो हम लोग नहीं समझते, हार है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार के लिए, समीक्षा के लिए कि आगे क्या नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा या पांच गाँव की बात कर रहा हूँ, तो शायद लोकसभा पांच गाँव की सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जहाँ का आपको कांग्रेस पासवान या छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं, गोरखपुर लोकसभा में हमारी पार्टी को बहुत कम मिला, जो हम अनुमान लगा रहे थे उससे कम मत मिले, इसी की आज समीक्षा बैठक हो रही है कि क्या कमियां थीं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर या स्वयं जिले के स्तर पर, क्या ऐसी बात थी कि हमें कम मत मिला, इसी की आज समीक्षा बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण को बुलाया गया है और इसी की समीक्षा बैठक आज हो रही है।